हे फ्रेंड्स, चलिए आज अपनी कथलो माइथोस सीरीज में एक ऐसी एंटिटी को डिस्कस करें जिसका जिक्र सिर्फ कथलो माइथोस में नहीं बल्कि अदर हॉरर एंड फिक्शन राइटर्स की क्रिएशन में अलग नाम के साथ भी मिलता है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इथकवा एचपी लवक्राफ्ट की कथलो माइथोस में एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे विंड वॉकर या वेंडिगो के नाम से भी जाना जाता है। इथकवा टाइटल से इसे पहली बार अगस्त डरलेथ ने अपनी शॉर्ट स्टोरी में मेंशन किया। इथकवा वन ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस है क्योंकि शुभ निगरत को इसकी माँ और हेस्टर को इसका पिता बताया जाता है। इसकी अपेयरेंस विशाल डरावनी रफली ह्यूमन शेप के साथ ग्लोइंग रेड आईज वाली है जिसका घर आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन्स को माना जाता है। आर्कटिक रीजन्स में रहकर इथकवा आर्कटिक वेस्ट को क्लियर करता है, वहां रहने वाले जीवों और अनजान राहगीरों को अपना शिकार बनाता है। इथकवा की क्रिएशन के पीछे नेटिव अमेरिकन लेजेंड वेंडिगो और पॉसिबली येती को इंस्पिरेशन माना जाता है। इथकवा के कल्ट ज्यादा तो नहीं है पर फार नॉर्थ में इनका ग्रेट रूल है। साइबेरिया और अलास्का में रहने वाले लोग इथकवा से डरते तो हैं परंतु वो उनसे डर के कारण नहीं बल्कि उसे खुश करने के लिए सैक्रिफाइसेस देते हैं। जो कोई भी इथकवा के कल्ट्स को ज्वाइन करता है इथकवा उसे एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स को सरवाइव करने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इथकवा का सबसे प्रोमिनेंट रोल ब्रायन लमली की लवक्राफ्ट बेस टाइटस क्रो में मिलता है जिसमें वो बोरिये के आइस वर्ल्ड को रूल करता है। अकॉर्डिंग टू ब्रायन लमली इथकवा पीरियोडिकली बोरिये से अर्थ को हवाएं भेजता है ताकि वो अपनी हवाओं के साथ हेल्पलेस विक्टिम्स को बोरिये ला सके जो उसके रीजन में आकर उसे वर्शिप करेंगे। इथकवा अपने कल्ट्स को यूज करने के साथ शेंटक्स का भी यूज करता है। शेंटक्स एक ओवरसाइज्ड पक्षियों की जाति है जिनका घर ड्रीमलैंड्स को माना जाता है। शेंटक्स के पास पावरफुल एयर एलिमेंट प्रेजेंट है जिनका यूज ये इथकवा को सर्व करने के लिए करते हैं। ब्रायन लमली ने अपनी सीरीज टाइटस क्रो में 1718 के कैरोलिन डेथ मार्च में एंटायर स्वीडिश आर्मी की डिस्ट्रक्शन के लिए इथकवा को रिस्पॉन्सिबल माना है। उन्होंने अपने इस सीरीज में बताया है कि इथकवा टाइटस क्रो को अपना ग्रेट एनिमी मानता है जो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए दो बार कोशिश भी करता है। पहली बार वो उसे उसी के घर में डिस्ट्रॉय करने के लिए पावरफुल एयर एलिमेंट्स का यूज करता है पर और उसका फ्रेंड डी मर्गनिस क्लॉक का यूज कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर दूसरी बार इथकवा खुद टाइटस पर हमला कर देता है। तब टाइटस मशीन के वेपन्स का यूज कर इथकवा से बचने में सफल हो जाता है। इथकवा का दूसरे प्लैनेट से लोगों को अपने प्लैनेट्स बोरिये में लाने के पीछे का कारण है अपने वर्शिपर्स को बढ़ाना। अपने कुछ इन्हीं फीमेल वर्शिपर्स के साथ संबंध बनाकर इथकवा अपने ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहता है जिनकी पावर्स की कोई लिमिटेशन ना हो क्योंकि उनकी इन्हीं पावर से वो द अदर ग्रेट ओल्ड वंस को फेस करेगा ताकि वो द एल्डर गॉड्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। तो दोस्तों ये था इथकवा एक और ग्रेट ओल्ड वन जो अपने सभी ग्रेट ओल्ड वंस को आजाद कर एल्डर गॉड्स के खिलाफ जंग छेड़ देना चाहता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।